Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me this opportunity to participate in this debate. Sir, I have been listening with rapt attention to the contributions that have been made by my colleagues. But I, sir, quite frankly, I am shaken and shattered by the images that I have seen personally over the social media and over Twitter. Heart-wrenching horror, grotesque violence. Aadmi usko dekh bhi nahi sakta. Jo waqiye humne Twitter pe dekhe hain. और हमें एक सवाल अपने आप से पूछना है कि ये इस किस्म की हिंसा आखिर क्यों हो रही है। पिछले 30, 40, 50 वर्षों में तो ऐसी हिंसा हमने कभी देखी नहीं। इसके पीछे सोच क्या है, भावना क्या है? क्योंकि पिछले 7 वर्ष में जो ऐसे वाकये हुए हैं कि अपने ही लोग, हिंदुस्तान के ही लोग अपने ही भाइयों की हत्या करें, लगभग 97% हिंसा के वाकये 2014 के बाद हुए। आखिर क्यों? ये सवाल सदन के सभी सदस्यों से अपने आप से पूछना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा क्यों 2014 के बाद क्यों? और मैं इस पे काफी गौर कर रहा था और फिर मैंने सोचा कि मोदी जी के जो पुराने भाषण हैं, जरा वहां जाकर देखूं कि मोदी जी कहते क्या थे इसके बारे में। और मुझे याद है कि 2012 में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को संबोधित करते हुए मोदी जी ने यह कहा था। उन्होंने कहा था कि गाय का मीट एक्सपोर्ट हो रहा है और हम बैठे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि लोग चुप क्यों हैं। I am unable to understand why you are silent, why you are taking this lying down. ये 2012 की वाक्य बता रहा हूं। और फिर महाराणा प्रताप की जन्म एनिवर्सरी पे उन्होंने एक और बात बोली। उन्होंने कहा कि जो महाराणा प्रताप जी थे, he dedicated his life to Goraksha. He fought wars and sacrificed young men to protect the cow. और गौ मास के द्वारा पैसे बनाए जा रहे हैं और ऐसे क्षण में मैं महाराणा प्रताप को याद करता हूं। ये 2012 की बात है और 2014 में किसने कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात की थी? किसने बात की थी कि अगर बिजली दिवाली को भी मिलनी चाहिए जब रमजान को मिलती है? तो कहने का मतलब यह है कि जो भड़ावा और भड़काया जा रहा है, किस भावना के साथ भड़काया जा रहा था? उसी का नतीजा है, उसी का ये आज नतीजा। इस पे हमें गौर करना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में मोदी जी ने 3 बयान दिए, 1 अक्टूबर 8, 2015, 1 अगस्त 6, 2016 और 3 जून 2019, 2017। और तीनों बयानों में उन्होंने ये
जनता को कहा कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा, मैं आपका आपको मोदी जी का बयान जो 6 अगस्त में था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि आई गेट सो एंग्री एट दोज हु आर इनटू गौ रक्षक बिजनेस, गौ भक्त इज डिफरेंट, गौ सेवा इज डिफरेंट, आई हैव सीन दैट सम पीपल आर इनटू क्राइम्स ऑल नाइट एंड वेयर द गार्ब ऑफ गौ रक्षक्स ऑल डे। मतलब कि रात को तो ये गलत काम करते हैं और सुबह गौ रक्षक बन जाते हैं, ये उन्हें ये कह रहे थे। और जब उन्होंने 29 जून 2017 को गांधी जी के बारे में बात की तो 30 जून को क्या हुआ, 30 जून को एक आचार्य योगेंद्र आर्य हेड ऑफ हरियाणा गौ रक्षक दल कहते हैं 30 जून को, अगले दिन, जब राजा अपना काम नहीं करेगा तो प्रजा को करना पड़ेगा, जब राजा काम नहीं करेगा तो प्रजा को करना पड़ेगा, ये तो आपके लोग हैं जो कह रहे हैं। आपने कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की, उसको बंद क्यों नहीं किया, उसके ऊपर FIR क्यों नहीं चलाई? और दूसरी बात आपके तब के होम सेक्रेटरी राजीव महर्षि जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि दीज आर ओवर रिपोर्टेड एंड ओवर हाइप्ड इंसिडेंट। ये सरकार का रवैया है। प्रधानमंत्री जी 2012 में कुछ कहते हैं, 2017 में कुछ और कहते हैं, और यहां उनके खुद के लोग ये बयानात देते हैं और हम फिर इसका जो नतीजा है हम देख रहे हैं। और जो महात्मा गांधी की बात करेगा ना तो महात्मा गांधी का पालन भी तो करना चाहिए, ये भी तो बताना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने गांव के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था आई वुड नॉट किल अ ह्यूमन बींग फॉर प्रोटेक्टिंग अ काउ, यह तो खुलेआम हो रहा है। ही ऑल्सो सेड आई हैव बीन लॉन्ग प्लेज टू सर्व द काउ बट हाउ कैन माई रिलीजन ऑल्सो बी द रिलीजन ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडियंस, इट विल मीन कोएर्शन अगेंस्ट दोज इंडियंस हु आर नॉट हिंदूज। ये महात्मा गांधी ने कहा था। We have been reciting verses from the Quran at the prayer, but if anyone were to force me to recite these verses, I will not like it. लेकिन ये भक्त जो हैं, ये क्या करते हैं? अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे, तो फिर देखना इसका नतीजा क्या होगा? अरे भैया, वाक्य तो ये है, सच्चाई तो ये है कि the cow is the most non-violent animal in the world. The cow represents ahimsa. Ahimsa ka pratik hai cow. Aur uske naam pe aap hatya karte ho na, to gau mata ki hatya hoti hai. Ahimsa ki hatya hoti hai. Manavta ki hatya hoti hai. Insaniyat ki hatya hoti hai. Meri hatya hoti hai. Meri hatya hoti hai. लेकिन ये कौन, ये अरे रोके, अरे सुनियो तो सही, अरे सुनियो तो सही, आपके समझ में नहीं आएगा, सुनियो तो सही, आपके समझ में नहीं आएगा। नो प्लीज अथवा टाइम जिसका मंत्री होकर टाइम डिस्टर्ब कर रहा है, कृपया इसका संज्ञान लीजिए। ये मंत्रवाला जी सिद्धाम मंत्री होकर वाले, मैं तो खुलेआम कहना चाहता हूं कि जो भी इंसान ऐसी हरकत करता है, खुलेआम करता है, वो कोई पुलिसमैन नहीं है, वो कोई अधिकारी नहीं है, वो एक नॉन ऑफिशियल सलवा जुदम जैसे लोग हैं जो अपना अपने आप तय करते हैं कि कानून क्या है और कानून को कैसे लागू करना। जिसकी हत्या हुई उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, या तो किसी गाय को ट्रक में ले जा रहा था, उसको उतार कर उसकी हत्या करनी, या किसी को जीप से बांध कर और उसको बांध कर जीप से बांध कर उसकी हत्या करनी, बताइए, यह तो एक बुजदिल का ही काम हो सकता है।
ये तो कावड़ ही कर सकता है कोई कि किसी को बांध के उसको मारो, और फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, अगर भारत माता इतनी ही प्यारी है तो जाओ ना सरहद पे लड़ो, बॉर्डर पे जाओ, जाओ सरहद पे लड़ो, जाओ सरहद पे लड़ो, उनको बोलो लड़ो, ठीक है ना। वो जो भारत माता की, प्लीज नो नो प्लीज, भारत माता की जो हत्या कर रहा है सरहद पे, किसी अपने आदमियों को मारने के बजाय वहां जाकर एनिमी को मारो, फिर पता चलेगा कि भारत माता की आप सुरक्षा कर रहे हो। वो हिम्मत नहीं है आप में, आप में तो इतना है कि उसको जीप से बांधकर फिर उसको मारोगे आप। नो प्लीज डोंट प्लीज क्रिएट, देयर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम प्लीज। आप कहते हैं कि आपका इसे कोई लेना देना नहीं, आप कहते हैं कि ये तो विजिलांटेज हैं, इसका बीजेपी से क्या लेना देना। लेकिन मैं आपको वीएचपी का बयान बताता हूं। वीएचपी ने अनाउंस किया है कि गौ रक्षक के मामले में हम एक धर्म योद्धा होली वॉरियर्स को रिक्रूट करेंगे। वीएचपी का बयान है, और आप कहते हैं कि आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये तो आप ही के लोग हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि वी विल इक्विप गौ रक्षक, तो किससे कैसे इक्विप करोगे? और प्रधानमंत्री जी कैसे कहते हैं कि रात को ये कुछ और है और दिन में कुछ और है, उनका बयान रात को कुछ और है और दिन में कुछ और है ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि रात को कुछ और करते हैं और दिन में और करते हैं? इनको मालूम है कि आप ही के वीएचपी के लोग ये काम करते हैं, धर्म योद्धा। और अलीगढ़ में सारी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने तय किया है कि हम धर्म योद्धा खड़े करेंगे, आर्मी खड़े करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि लगभग 2700 गौ रक्षक सेना आज 14 प्रदेशों में काम कर रही है, 2700। और ये कहते हैं ये सब रिलीजियस सोल्जर्स हैं, धर्म के सोल्जर्स हैं, और ये रिक्रूट करके ये जा रहे हैं वीएचपी के द्वारा। और इनमें कौन ट्रेनिंग दे रहा है, किसको ट्रेनिंग दे रहा है, कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है? बजरंग दल के लोग ट्रेनिंग देते हैं, मीटिंग होती है, और ये मीटिंग जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये 14 जुलाई और 17 जुलाई के बीच में हुई, अभी हुई। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? ये महात्मा गांधी के बारे में बयान देना, ये तो अपने आप में मैं समझता हूं डबल स्पीक है, कहना कुछ और करना कुछ, भावना कुछ और जमीन पे काम और दूसरी। ये तो जनता को बहकाने की बात है कि हम ये सब काम, हमारे से लेना देना इसका कुछ नहीं है। इनफैक्ट एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर ने, एक संजय सुब्रमण्यम प्रोफेसर एंड अर्विंग एंड जीन स्टोन एंड डाउट चेयर इन द सोशल साइंसेज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस, टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस, देर इज अनयूजुअली इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लिंच मॉब्स एंड टॉप लीडरशिप इन डेमोक्रेसीज। दिस इज हाउ यू आर परसीव्ड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, your own people, your Bajrang Dal, the VHP, these are the people who are actually doing this. And the Prime Minister very blithely says that no, these are anti-social elements. So I challenge the Prime Minister, why doesn't he publicly say that the VHP is anti-social, that the Bajrang Dal is anti-social? But he has no courage to say that, because that's the political support he gets from them for winning elections. There is no point in shying away from this. असलियत तो यह है कि आपकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी ने हिंदुस्तान के लोगों में एक ऐसा भय पैदा कर दिया है कि लोग टेलीफोन पे बात नहीं करना चाहते। और ये लड़ाई, मैं आपको सच बात बताऊं, मैं समझता हूं
कि जो ऐसी बात करता है, जो ऐसे काम करता है, वो असली हिंदू नहीं है, वो नकली हिंदू है। हिंदुत्व का अपमान करता है इसका, वो हिंदुत्व का अपमान करता है, वो हिंदुइज्म का अपमान करता है, वो इंसानियत का अपमान करता है। और अगर लड़ाई होगी आगे तो यहां और वहां की होगी, असली हिंदू और नकली हिंदू के बीच में होगी। नकली हिंदू वहां बैठे होंगे, सामने बैठे होंगे। ये लड़ाई होगी आने वाले वर्षों में, ये लड़ाई होगी। ओके प्लीज, ओके, यस यस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कबिल जी, आप कबिल जी प्लीज, कबिल जी डोंट बी कैरीड अवे बाय देम प्लीज, बिकॉज़ योर टाइम इज लिमिटेड। कबिल जी योर टाइम इज लिमिटेड, सो प्लीज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो इस तरह की लिंचिंग करता है, क्या वो हिंदू है? इस तरह से मारपीट करता है, क्या वो हिंदू है? वो हिंदू नहीं है। He's asking them questions, so they will react. बैठिए बैठिए। Okay. कबीर जी already 16 minutes हो गया। Sir, don't allow them time. Yeah. You don't ask them questions. Because you address the chair. हम लोग बैठिए। Now sit down. कबीर जी already 16 minutes. So, in fact, it was the Prime Minister who way back in 2014 said that this country has heard of the White Revolution, this country has heard of the Green Revolution, and now a Pink Revolution is taking place. And therefore, we must protect our cow. So it is nothing to do with those vigilantes, it is something to do with Narendra Modi. Nothing to do with vigilantes. It's the Prime Minister. Is the Prime Minister who is creating the kind of environment in which this is happening. And it is better, instead of the double speak, for the Prime Minister to come clean. How is it that when he made this statement in 2015, then in 2016, then in 2017, it has had no effect? In fact, Mahapur. समझ नहीं पा रहे होंगे, बैठ जाओ, बैठिए हमारे ऊपर से बैठिए। मैं आपको सच असलियत तो ये है कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा ऐसे हत्याएं हुई 2017 में, सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। और ये कहते हैं कि हम गांव की रक्षा करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा में मथाना जगह है, एक वहां एक गौ रक्षा की जगह है, वहां 50 गाय की मृत्यु हो गई क्योंकि उनका ख्याल नहीं रख रहे। और जो गाय को सालाना मिलना चाहिए वो 600 रुपया है, हर गाय को 600 रुपया है, और ये कितना देते हैं, 150 रुपया। मतलब कि जो सरकार है वो भी गाय को जो देना चाहिए वो भी पैसा खा जाती है, ये इनकी सरकार। और ये कहते हैं कि गाय के प्रति ये इंसान को मारने को तैयार है। ये कौन सी राजनीति हो रही है, आपको सोचना चाहिए। देखिए इसमें कोई असलियत तो ये है, इस देश में अगर हिंसा का वातावरण रहेगा तो ना तो कोई यहां इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और लोग सोचेंगे कि यहां मालूम नहीं कब हमारी गाड़ी रोक ली जाए और कब हमारे साथ कोई ऐसा बदसलूकी हो, ये असलियत है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने यह भी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम सबको लाइव स्टॉक की साइंटिफिक इवैल्यूएशन करनी चाहिए, क्योंकि होता यह है डिप्टी स्पीकर सर दैट एज फार एज अ फार्मर इज कंसर्न्ड, वो बेचारा अपना लाइव स्टॉक और अपना एग्रीकल्चर रोटेट करता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार कह रही है, हिंदुस्तान की सरकार खुद कहती है। तो क्या करता है कि जब बीमार हो जाती है गाय तो उसको रखने के लिए उसको 40,000 रुपया महीना खर्च करना पड़ता है, उसके पास वो साधन नहीं होता, इसलिए वो बेचना चाहता है।
क्योंकि अगर वो रखेगा तो 40,000 रुपया उसको खर्च करना पड़ेगा सालाना, नहीं रखे और जब वो बेचता है तो उसको जब पैसा मिलता है वो अपने धान में लगाता है, एग्रीकल्चर में लगाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो बात, ये भी नहीं सपने, अपने लोगों की हत्या कर रहे हैं ये, जो किसान है उसकी हत्या हो रही है, वो बेचारा बेच भी नहीं सकता और उसको रख भी नहीं सकता, और जब वो गौशाला बेचता है तो सरकार को जो 600 रुपया देना होता है वो भी नहीं देता। दूसरी बात, अब गौमूत्र पे तो इनकी बड़ी साइंटिफिक लर्निंग है। अगर मैं समझता हूं कि अगर गाय के पालन के लिए अगर कुछ ये सोच करें तो शायद हम खुद गाय की रक्षा कर सकेंगे। कॉन्फ्रेंस रखी है। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश सर, जस्ट गिव मी अ मिनट और टू। आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर टाइम नाउ सर, जस्ट अ फ्यू फैक्ट्स बिकॉज दे आर ऑल्सो हर्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू दिस। सी द कैटल बैन दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय दिस गवर्नमेंट, क्योंकि जो गाय का जो मांस है वो हर चीज में इस्तेमाल होता है, लेदर इंडस्ट्री गाय के मांस से चलती है, लेदर इंडस्ट्री इसी से चलती है, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसी से चलती है, आपकी कई सोप, मेनी ऑफ दीज शैम्पूज यूज सम ऑफ दिस स्टफ। नाउ ऑल दिस हैज स्टॉप्ड, ऑल दिस हैज बीन इफेक्टेड इन अ वेरी, इट्स बीन नेगेटिवली अफेक्टेड। तो मतलब यह है कि आप इंडस्ट्री का नुकसान क्यों कर रहे हो? जो साइज ऑफ द इंडियन लेदर इंडस्ट्री इन 2015-16 इज $17.85 बिलियन इट इंप्लॉयज 3 मिलियन पीपल, हाफ ऑफ द लेदर इंडस्ट्री इंप्लॉयज आर लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, उनका आपने रोजगार छीन लिया क्योंकि लेदर का काम सारा बंद हो गया। देन सेकेंड लार्जेस्ट, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटवेयर इन द वर्ल्ड, we are the second largest producers of leather garments in the world, wo kaam band ho gaya aapki ye vigilantes ki wajah se। 2016-17 mein leather industry exported around $5.49 billion of leather and leather products, wo kaam ho gaya। leather industry in 2015-16 was valued at $17.85 billion, usme gadoti aa gayi। Leather is a major pitch in Modi's Make in India Pact program. आप अपने Make in India program पे हत्या कर रहे हो। उसी में भी leather का इस्तेमाल होता है। Farmers who own livestock will lose out on two fronts: income from selling livestock as meat and increased cost burden due to maintenance of unproductive cattle. So आपने व्यापार का नुकसान किया, आपने आपकी वजह से और आपके बयानों से इंसानों की हत्या हुई, आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, आप अपने मेक इन इंडिया के ऊपर हत्या कर रहे हो। आप सोच समझ के, आप देखिए, आपने उस दिन नकवी जी साहब ने कहा कि इनके खिलाफ केस लग गए हैं, हमने FIR दर्ज कर दी, हमने कार्रवाई शुरू कर दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कुछ ही दिनों में बेल मिल जाएगी और इन्हीं की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी केस वापस ले लेंगे, क्योंकि मैं तो भैया इनका देख रहा हूं ना, जो भी केस होता था उस पर ये यू टर्न करते हैं। तो मैं नहीं, मुझे बताइए कन्विक्शन कितनी हुई है? ये तो 2015 से 14 से चल रहा है, कोई एक भी आदमी कन्विक्ट हुआ है? इसका जवाब दीजिए। FIR दर्ज करना तो कोई और बात है। और दूसरी बात सर, दिस इज द लास्ट थिंग, दिस इज एन अनऑफिशियल आर्मी ऑफ हुलिगन्स एसोसिएटेड विद एन आइडियोलॉजी विच विल डिस्ट्रॉय द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ दिस कंट्री। No matter what happens, this house must rise together to ensure that that peace and tranquility will not be disturbed. And if the nakli Hindu does not rise, the asli Hindu will. Thank you very much. Thank you. Very good. Yes, Sri.